नमस्कार। आज की चाय का प्याला गंगा जी के आंगन से हमारी बेटियों के मान के नाम। मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। बहुत साल पहले मैंने एक कहानी सुनी थी और मेरा बहुत मन था कि जब मैं ये कहानी आपको सुनाऊं तो ऐसे जगह से सुनाऊं जहाँ पे स्त्री का मान सम्मान, बहाव और शक्ति का बहुत खूबसूरत दर्शन हो, और इससे खूबसूरत जगह मुझे नहीं मिली। तो वाराणसी से ये कहानी आपके लिए। तो चलिए, बहुत साल पहले आपको ले जाती हूँ। एक था बहुत सुंदर राज्य, वहाँ रहते थे एक राजा और रानी, और सबका रखते थे बहुत मान, लेकिन उनकी खुद की नहीं थी कोई संतान। तो राजा ने वैद्य हकीम बुलाए, दाई माँ बुलाई, और बहुत मुश्किलों से रानी ने एक संतान को जन्म दिया। और राजा ने सोचा कि ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, तो उन्होंने रानी को एक बहुत सुंदर महल तोहफे में दिया, और महल के बिल्कुल पास उन्होंने एक बहुत नायाब बगीचा बनाया, जहाँ पर गीली मिट्टी में बहुत नायाब पौधे दुनिया से लाए गए और लगाए गए। और राजा रानी वहाँ रोज टहलने जाते, खूब बातें करते। फिर एक दिन राजा शिकार पर गए, एक कुएं पर रुके। वहाँ पर एक गर्भवती घसियारन बैठी थी, उसको दर्द उठी, वो झाड़ियों के पीछे गई और थोड़ी देर बाद अपने संतान को कपड़े में लपेट कर घास पर रखकर चलती बनी। राजा बड़े हैरान हुए, उन्होंने सोचा कि ये तो इतनी आसानी से इसने बच्चे को जन्म दे दिया, रानी ने मुझे तो धोखा दिया। तो बड़े गुस्से से वो रानी के पास गए और कहा, रानी आपने तो हमें धोखा दिया। रानी थोड़ी सी मुस्कुराई, थोड़ी सी घबराई और अपने महल में चली गई। अब कुछ दिन बाद राजा अपने वो नायाब पौधों के बगीचे में गए, वहाँ नहीं था कोई माली। पेड़ पौधे भी थे लेकिन मुरझाए हुए, और थोड़ी क्यारियाँ बिल्कुल थी खाली। अब राजा ने सैनिक से पूछा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा कि रानी ने माली को हटा दिया। फिर राजा ने रानी को बुलाया और कहा, ऐसा क्यों किया आपने? तो रानी ने कहा, राजा जंगल भी तो उगते हैं, पेड़ पौधे तो अपने आप उग जाते हैं, आपके इस बगीचे को मालियों की क्यों खास जरूरत है? तो हमारी बेटियां भी ऐसी होती हैं, जिस गीली मिट्टी, जिस हल्की धूप छाया में उनको हम सींचते हैं, बड़ा करते हैं, उनको वहां की आदत हो जाती है। तो गंगा जी के आंगन से ये बिल्कुल दिल की दुआ के साथ कि हमारी बेटियां जिस भी आंगन में जाएं, वहां पे उनकी गीली मिट्टी, हल्की धूप, सौंधी हवा और मान का मान रखा जाए, क्योंकि मानो तो गंगा माँ है, ना मानो तो बहता पानी। विद जस्ट लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर एवरी डॉटर टू कीप फ्लरिशिंग, कीप ग्रोइंग, कीप फ्लोइंग। नमस्कार।